गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जैसे जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मनी। मनी के बारे में हम लोग पहुंचे थे, हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में बार्टर सिस्टम। एंड बार्टर सिस्टम में मैंने बताया था कि एसेंट टाइम एंड देयर वाज नो मीडियम ऑफ एक्सचेंज एट दैट टाइम द थिंग्स वर डायरेक्टली चेंज बाय द थिंग्स। दैट सिस्टम वाज नोन एज अ बार्टर सिस्टम। इट हैज अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंसेस लाइक लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ डबल वांट्स, ठीक है, डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स, स्टोरेज प्रॉब्लम्स, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव कंप्लीटेड बिलोंगिंग फ्रॉम द बॉर्डर सिस्टम। फिर इसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन ऑफ मनी मैंने बताया था फाइव स्टेजेस। पहले कुछ चीज़ें जैसे टोबैको, स्केल्टन ऑफ सेल स्केल्टन, फिर मैंने बताया था कहीं टोबैको, कहीं एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, काउ, बफेलो वगैरह वर यूज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर मेटेलिक मनी आया, मेटेलिक कॉइन्स आए, फिर प्रीसियस मेटेलिक कॉइन्स आए, फिर फोर्थ स्टेज में पेपर मनी, और फिफ्थ स्टेज में आपका करेंसीज वैल्यू के बारे में मैंने बताया था। आज जो हम लोगों को बच्चों पढ़ना है वो पढ़ना है कि मनी आया, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में डेवलप हुआ। जो आज की करेंसी चल रही है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में ओरिजिनेट हुआ। तो मनी को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज मनी। अगर हम डिफाइन करें व्हाट इज मनी, मनी क्या होता है, तो मनी को बेटा कुछ ऐसे डिफाइन किया जा सकता है। व्हाट इज मनी ठीक बच्चों। तो मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है बच्चों? मीडियम ऑफ एक्सचेंज को बेटा हम लोग मनी कहते हैं। मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर हमें कोई चीज बेचना है कंपेरेटिवली उसके कंपेयर में दूसरी चीज को खरीदना है, तो हम उस चीज को मार्केट में बेच करके मनी गेन करेंगे। और आप बाय दैट मनी वी कैन ऑल्सो बाई टू अनदर थिंग्स व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर अस। मेरे कहने का मतलब मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है। दो चीज, एक चीज को मार्केट में सेल करके दूसरी चीज को खरीदने के लिए मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज होता है। अगर बेटा मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में हम मनी को यूज करते हैं, तो क्वेश्चन ये है कि मनी को डिफाइन किया, मिस्टर क्राउथर्स ने डिफाइन किया। क्राउथर्स डेफिनेशन बेटा याद रखना, क्राउथर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ द क्राउथर बिलोंगिंग फ्रॉम द मनी। तो क्या बेटा, क्राउथर्स हैज डिफाइन मनी एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड दैट इज द सेम टाइम एक्ट एंड ए मेजर एंड मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब मनी क्या होता है बेटा, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है। मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है। तो उन्होंने बताया कि जनरली मनी एक ऐसी चीज होती है, मनी एक एक्सेप्ट मतलब एवरी वन के थ्रू एक्सेप्टेबल होती है, जनरली एक्सेप्टेबल एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में भी काम करता है। एंड इट ऑल्सो एट द सेम टाइम मेजर द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट या थिंग्स। मनी क्या होता है, मनी को डिफाइन किया कि ये जनरली सबके थ्रू एक्सेप्टेबल होता है एंड ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करने के साथ साथ ये मेजर ऑफ द वैल्यू को भी डिसाइड करता है, वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट को भी डिसाइड करता है, ठीक है। ऐसी डेफिनेशन मिस्टर क्राउथर्स ने डिफाइन किया। और कि मनी क्या होता है, तो मनी को अगर हम देखें तो आप बेसिकली मनी का जो मेन फंक्शन है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है। मनी का जो प्राइमरी फंक्शन है दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटे मनी के फंक्शन को हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन बच्चों, एक प्राइमरी फंक्शन और एक सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन के बारे में अगर हम बातें करें, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी के बारे में बच्चों हम लोग बात करते हैं कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मनी क्या है। तो प्राइमरी फंक्शन का मनी का पहला प्राइमरी फंक्शन ही होता है बेटा मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में वर्क करना। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में ऑन द सेंस कुछ मैं इस तरीके से समझाना चाहूँ कि मनी एक ऐसी मैंने बताया था कि बच्चों जो अब हम जब हम बार्टर सिस्टम पढ़ रहे थे तो उन बार्टर सिस्टम में मैंने बताया था कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, दैट वॉज द लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स के बारे में प्रॉब्लम डिस्कस किया था। द लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के बारे में बताया था कि अगर हम कोई चीज चाहते हैं, कोई चीज हम अपनी जो चीज हमारे पास है हम उस चीज को किसी पर्टिकुलर चीज से एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो इट इज नॉट कंपल्सरी, ये नेसेसरी नहीं कि वो बंदा जिसके पास वो चीज है
मान लेते हैं हमारे पास राइस है, मैंने एग्जाम्पल बार बार दिया है कि हमारे पास राइस है और राइस को हम शूज से एक्सचेंज करना चाहते हैं, बट जब द पर्सन हु हैज शूज इज इन द नीड ऑफ द फीट एंड इज नॉट इन नीड ऑफ द राइस, दैट्स द रीजन आवर डील वॉज नॉट पॉसिबल। ठीक है, हमारा तो इस तरीके बार्टर सिस्टम की बहुत बड़ी इनकन्वीनियंसेस थी कि लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, जब तक दोनों एक दूसरे की नीड्स को पूरा ना कर रहे हों तब तक शायद दोनों के बीच डील पॉसिबल नहीं होती थी। ऐसा मैंने आप लोगों को बॉर्डर सिस्टम में पढ़ाया था। व्हेन आई वाज टीचिंग टू यू अबाउट द बॉर्डर सिस्टम्स, इन दैट बॉर्डर सिस्टम्स आई हैव एक्सप्लेन दैट कि बच्चों जब तभी डील पॉसिबल होती थी, तभी डील पॉसिबल थी जब दोनों एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल कर रहे हों। डील वॉज पॉसिबल व्हेन बोथ वर फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द ईच अदर, जब दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर रहे हो बेटा तभी दोनों के बीच में डील पॉसिबल हो पा सकती थी, तभी डील पॉसिबल हो सकती थी बिटवीन दो पर्सनालिटी। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों ये है कि लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स को रिमूव करने के लिए मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में आया। मतलब अगर आपके पास कोई चीज़ मान ले वो चीज़ बदलना है, आपके पास कोई भी मटेरियल है तो आप बेच दीजिए उसे मार्केट में, एंड मार्केट में बेचेंगे तो कोई ना कोई तो उसके नीड्स का पर्सन होगा ही होगा, जिसको नीड्स होगी वो खरीद लेगा और ही विल प्रोवाइड यू मनी, एंड बाय टेकिंग दैट मनी यू कैन बाय दैट थिंग्स व्हाट यू आर इन रिक्वायर्ड, आप वो चीज़ खरीद सकते हो जाकर के जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, उस पैसे के थ्रू आप वो चीज़ जाकर के खरीद सकते हैं जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। तो मनी एक तरीके से मेरे कहने का मतलब बेटा मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर काम किया कि अगर हमको कोई चीज़ की ज़रूरत है, हमारे पास कोई चीज़ है, तो हमने पहले उसे मार्केट में बेचा, हमने उसे मनी गेन की और फिर उस मनी से जाकर के हमने उसे खरीद लिया और फिर उस मनी के थ्रू वो पर्सन जिससे हमने कोई पर्टिकुलर चीज़ खरीदा अपने रिक्वायर्ड की चीज़ को खरीद सकता है। तो इस तरीके से मनी को हम कहें कि बेटा मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में वर्क करता है। ठीक है, कम्युनिटी टू कम्युनिटी जनरली एक्सेप्टेबल मनी एक कैसी मनी इज मतलब फैक्टर विच इज मनी एक तरीके से बेटे सबके थ्रू एक्सेप्टेबल होता है एंड एवरीवन इज इन नीड्स ऑफ मनी एंड इट इज एक्सेप्टेबल बाय एवरीवन, नो वन कैन आल्सो रिजेक्ट टू द मनी। तो मनी अब तो इस तरीके से बेटा पहला फंक्शन हमने देखा कि मनी का प्राइमरी फंक्शन जो होता है, द मेन प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मनी इज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में मनी काम करता है। मतलब अगर हमें कोई चीज़ खरीदना है, कोई चीज़ बेचना है, तो पहले हमें बेच करके पैसे गेन करना है, फिर उस पैसे से हमें दूसरी चीज़ को जाकर के खरीदना है, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नाउ इट इज क्लियर, नाउ इट इज वेरी मच क्लियर दैट आई एम अगेन एंड अगेन एक्सप्लेनिंग इट दैट मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि हमारे पास कोई भी मटेरियल है, अब हमें उस बंदे को ढूंढने की जरूरत नहीं है जिस बंदे को क्या कहते हैं हमारी चीज़ जरूरत है, बट हम सीधा मार्केट में गए जिसको उस पर्टिकुलर चीज़ की जरूरत है, उसने खरीद लिया, हमें पैसा प्रोवाइड किया और हम पैसा लेकर के अब वो चीज़ जाकर के खरीद सकते हैं जो हमें जरूरत थी। तो एक तरीके से मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में भी काम करता है। और इसके बाद बेटे मनी ऑल्सो मेजर्स द वैल्यू, मनी इज ए मेजर्स ऑफ वैल्यू। ठीक है बच्चों, मनी का सेकेंड फंक्शन क्या होता है, मनी इज ए मेजर्स ऑफ द वैल्यू, वैल्यू को भी डिसाइड करता है बच्चों मनी। एक मनी एक तरीके से देखा जाए तो इट ऑल्सो डिसाइड टू द इट मनी ऑल्सो डिसाइड द वैल्यू ऑफ द मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आई एम टेलिंग टू यू कि कोई भी चीज़ की कोई भी चीज़ है, सपोज दैट को कोई कार है, कोई कार खड़ी है, तो कोई कार 5 लाख की भी आती है और वही कार थोड़ी सी ज़्यादा स्टैंडर्ड करके 5-10-50 लाख की भी आती है। तो जैसे हम उसे बताएंगे कि इस कार की कीमत 50 लाख है, तो उसकी वैल्यूज अपने से हम सोसाइटी के बीच में, हम लोगों के बीच में अपने से बढ़ जाएगी कि हाँ योरे। नॉर्मली जब हम उस कार को देख रहे थे तो हमें समझ नहीं आया कि इस कार की कीमत इतनी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल मैनेजर साहब के मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर वो खड़ी है, अगर देख रहे हैं नॉर्मली उसे देख करके कोई गेस नहीं करेगा कि इस गाड़ी की कीमत इतनी है, लेकिन जब किसी से बता दो तो उसकी वैल्यू अपने से बढ़ जाती है। तो मनी ऑल्सो डिसाइड द वैल्यू ऑफ द थिंग्स, किसी भी चीज़ की वैल्यू को भी डिसाइड करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर पर्सन इसका स्टैंडिंग और उसको बताओ कि इनका पेमेंट इतना करोड़ रुपए है, इतने करोड़ रुपए का इन्होंने पैकेज गेन कर रखा है, तो तुरंत उसकी वैल्यू आपके नजरों में बढ़ जाएगी। तो मनी ऑल्सो डिसाइड द वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग्स या गुड्स सर्विसेज एज वेल एज मेजर द जस्ट ऑफ द रिकमेंडेशन मेजर द। तो एक तरीके से एक हम कह सकते हैं कि मनी मेजर्स द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है, या पर्टिकुलर पर्सन। फिर बच्चों आप आते हैं सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द मनी,
मनी की स्टोरेज वैल्यू होती है, इट कैन बी ऑल्सो स्टोर, हम इसे स्टोर कर सकते हैं। मनी कैन बी जनरली डज नॉट लॉस इट्स वैल्यू, अपने टाइम के साथ साथ अपनी वैल्यू को मनी लॉस नहीं करता बेटे। आज के 20 साल पहले जो 100 रुपए थी वही 100 रुपए की नोट्स आज भी है। सो वैल्यू ऑफ अनदर वर्ड्स इट द अलाउज द पॉसिबल ऑर्डर टू द मेक द परचेजिंग एट लेटर डेट। मनी इज द इनकन्वीनियंट वे टू स्टोर द परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर के थ्रू हम कह सकते हैं कि किसी भी देश कंट्री को ट्रिपल पी भी परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के बेस पर भी ट्रिपल पी के बेस पर भी डिसाइड किया जाता है। केवल हम इनकम बेस पर बेटे किसी सोसाइटी के डेवलपमेंट को नहीं मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इनकम गेन करके अगर कोई बंदा सिर्फ उसको स्टोर कर रहा है, कुछ नहीं खर्च कर रहा अपने ऊपर, अपने बच्चों के एजुकेशन के रूप में कुछ नहीं खर्च कर रहा है, केवल उसे स्टोर कर रहा है, तो भी बेटे उससे हम प्रॉपर नहीं कह सकते कि बंदा डेवलप्ड है। तो इस वजह से किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को परचेजिंग पावर प्रायोरिटी, बंदा कितना कमाता है प्लस कितने की चीज़ों को खरीदता है, ये बात डिसाइड करता है किसी भी चीज़ की क्या कहते हैं डेवलपमेंट के, किसी भी सोसाइटी या किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के या पर्टिकुलर कंट्री के डेवलपमेंट कंडीशन को। मनी इज ए स्टैंडर्ड, मनी बेटा क्या कहते हैं, मनी पेमेंट पे करने के लिए भी काम आता है, कि वो सर्विसेज या द वर्क या डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पीपल और मैन, तो उनके सर्विस को पे मतलब उनके सर्विस को पे करने का भी एक मनी मीडियम फॉर्म होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हमने डॉक्टर की सर्विस लिया, टीचर की सर्विस लिया, किसी की भी सर्विस लिया, तो वी हैव टू पे फॉर दिस सर्विस, तो वो जो पेमेंट के लिए हम करते हैं दैट इज नोन एज ए डेफर्ड पेमेंट। फिर इस बार ट्रांसफर ऑफ द वैल्यू, ये बेटे मनी के कुछ फंक्शन होते हैं। ट्रांसफर ऑफ द वैल्यू को भी मनी डिसाइड करता है, एक वैल्यू को दूसरी एक पर्टिकुलर हैंड से दूसरे हैंड में थ्रू द मनी को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके बाद बेटे कुछ कॉन्टिजेंट फंक्शन ऑफ मनी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम के बारे में मैंने बताया था। कुछ कॉन्टिजेंटल फंक्शन ऑफ मनी जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, तो मैंने बताया था नेशनल इनकम क्या होती है, किसी कंट्री की जो टोटल इनकम होती है उसे नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री कहा जाता है, विच इज मेड अप ऑफ द टू पार्ट दैट इज जीडीपी एंड अब्रॉड इनकम। जीडीपी मतलब कंट्री की जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसका, और प्लस अब्रॉड इनकम मतलब जो हम विदेशों से गेन करते हैं, उन दोनों को मिला करके हमारे बेटे किसी कंट्री की नेशनल इनकम का फॉर्मेशन होता है। नेशनल इनकम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोसाइटी सो दैट एवरीवन कैन गेट द प्रॉफिट ऑफ इट। इसके बाद बच्चों मनी एक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, यू नो दैट आफ्टर वर्क द पर्सन हु गेन द मनी देन ही गेट द स्पेशल टाइप्स ऑफ द सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर्स, और मनी बेटे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर को प्रॉफिट प्रोवाइड, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर प्रॉफिट मनी के रूप में गेन करने की प्रायोरिटी देते हैं। ये बेटे कॉन्टिजेंट फंक्शन है कुछ, तो कॉन्टिजेंट फंक्शन आप पढ़ लीजिए, वैसे कभी आते नहीं है, मेन फंक्शन ही आते हैं। मेन फंक्शन के बारे में मैंने बता दिया कि मनी क्या होता है, मनी की मेन फंक्शन क्या है, मेजर ऑफ द वैल्यू एंड मीडियम ऑफ द एक्सचेंज, ठीक है। तो अब आते हैं बेटा द करेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड मनी, एक अच्छे मनी की क्या प्रॉपर्टी, क्या प्रायोरिटी होती है, क्या करेक्टरिस्टिक होती है। तो पहला करेक्टरिस्टिक होता है एक्सेप्टेबिलिटी, क्या होता है बेटा एक्सेप्टेबिलिटी मतलब मनी शुड बी एक्सेप्टेबल बाय एवरीवन। कंट्री का कोई भी बंदा बेटे मनी को एक्सेप्ट करने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई भी बंदा मनी को इलीगल तरीके से, मतलब मैंने ही कहता कि आपको पास को घुस देने और कह दो कि रख लो तो रख लो, और कह दो मनी इनकार करना तो देशद्रोह है, नहीं, मनी को इंसल्ट के साथ यानी रिक्वायर्ड, जो कोई जहां पर मनी शुड बी रिक्वायर्ड और वहां पर हम उसे ये कह के नहीं इनकार कर सकते कि नहीं ये जरूरत नहीं है, ये क्या कहते हैं हम इसकी वैल्यू नहीं मानते, ये आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नेशनल सिंबल है मनी। किसी भी कंट्री की करेंसी जो होती है वो उस कंट्री की नेशनल सिंबल होती है, और नेशनल सिंबल का सम्मान करना सबकी ड्यूटी होती है। तो मनी को बेटा मनी जनरली एक्सेप्टेबल एवरी वन, चाहे छोटे से बच्चे को बेटा 100 रुपए की नोट दे दो फाड़ेगा नहीं, बढ़िया आराम से रख लेगा, लेकिन कागज दे दो फाड़ करके फेंक देगा। इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल बाय द आगे कहते हैं स्मॉल चाइल्ड ऑल्सो, जिसके पास अभी कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है बट ही हैज सेंस ऑफ दिस दैट दिस इज वेरी वैल्यूएबल थिंग्स। भगवान नहीं है तो क्या हुआ, भगवान से थोड़ा कम ही है, ज्यादा कम नहीं है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये बेटा, ठीक है। तो इसके बाद मनी एक क्या कहते हैं एक्सेप्टेबिलिटी, इसी प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी बच्चों मनी की दूसरी प्रॉपर्टी द ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं कि नोट्स आज हमने करेंसी लिया थोड़ी देर के बाद हमने मतलब मोड़ के बांध लिया तो, या थोड़ा सा पानी पड़ा तो वो बिल्कुल यूजलेस हो गई, बेकार हो गई, नहीं, दैट इज नॉट, नो मनी नहीं हो सकता, इट इज नॉट क्वालिटी
आप द गुड मनी मनी शुड बी ड्यूरेबल, थोड़ा बहुत बिक जाने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और थोड़ा कुछ दिनों तक रखे रहने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए उसको। इसके बाद बच्चों डिविजिबिलिटी, यू नो दैट बार्टर सिस्टम की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी डिविजिबिलिटी, लेकिन मनी तो डिविजिबल है, 2000 नोट, 500 500 500 500 रुपये, 200 100 200 100 100 100 100 के बाद 50 50 50, 20 20 20, 10 10 भी, 1 2 रुपए के क्वाइंस, 5 रुपए क्वाइंस, तो ये मनी मनी डिविजिबिलिटी है। कोई बड़ी चीज लेते हैं छोटी चीज लेते हैं सबके लिए पेमेबल पेमेंट है, दैट इज नोन एज डिविजिबिलिटी। इसके बाद बच्चों स्क्रेसिटी, मनी ये नहीं कि हर जगह पड़ा मिल जाए, वी आर टॉक गोइंग हियर हियर एंड देयर एंड वी आर गेटिंग द बैग्स ऑफ द मनी, हमें एक बैग मनी मनी का बैग मिल जाए तो इन दिस वे इट विल लूज इट्स इम्पोर्टेंस, मनी की बेटे इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी और फिर मनी का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इट शुड बी स्कैट, इसकी स्क्रेसिटी होनी चाहिए, मुश्किल से मिलना चाहिए। वन वी हार्ड टू वर्क ऑल एंटायर डे देन इन इवनिंग वी शुड गेट द मनी। तो मेरे कहने का मतलब है कि मनी मनी की बेटा पहली प्रॉपर्टी है कि स्क्रेसिटी होनी चाहिए, हर जगह जनरली अवेलेबल नहीं हो चाहिए। इसके बाद मनी की प्रॉपर्टी कॉन्जेबिलिटी होती है, कॉन्जेबिलिटी मतलब एवरीवन शुड बी, सबको बेटा इसे रिकॉग्नाइज होना चाहिए, सबको इसे पहचान में आना चाहिए, ठीक है, सबको बेटा इसको पहचाना चाहिए। तो देखो बेटा आजकल तो अंधे आदमी को भी नोट दे दो तो छू के पहचान लेता है, 10 की 20 की 50 की 100 की 200 2000। तो मेरे कहने का मतलब है कि दैट इज वो उसकी प्रॉपर्टी है। तो कुछ बच्चे को बेटा देखो दोगे 500 की नोट दो कभी ही करने वाले टीयर इट, लेकिन अगर कागज दे दोगे तो फाड़ फूड करके फेंक देगा। तो वो बेटे मनी का सम्मान करना इट इज अवर क्योंकि दैट इज अवर नेशनल सिंबल्स। ये क्या कहते हैं गुड मनी की प्रॉपर्टी होती है, काफ़ी पूछा जाता है कि व्हाट इज गुड प्रॉपर्टी ऑफ द गुड मनी। ओके बच्चों आज इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, इसके बाद अगला वीडियो हम आप ही बना के देंगे, तो दो वीडियो आपको मिलेंगे और बहुत जल्दी कुछ चैप्टर को हम खत्म करेंगे। ओके थैंक यू।